एवरीवन, वेलकम टू साथ एकेडमी। आज हम बात करेंगे टू एंड टू वर्ड्स प्रेपोजिशन के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टू एंड टू वर्ड्स प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ की जाती है, आज वो जानेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं टू प्रेपोजिशन की। टू प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है डेस्टिनेशन के लिए। जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं ना, वहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ। अब मैं घर से निकला हूँ स्कूल जाने के लिए, ठीक है, और मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, कहाँ जाना है मुझे, स्कूल जाना है, इसलिए मैं वहाँ पर टू प्रेपोजिशन यूज़ करूँगी। ओके, तो टू प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट, टू वर्ड्स प्रेपोजिशन। टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है वहाँ पर हम डेस्टिनेशन की बात नहीं करते हैं। वहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना, मैं मंदिर की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वह मंदिर की तरफ जा रहा था। He was going towards the temple. वह टेम्पल की तरफ जा रहा था। अब वो टेम्पल जा रहा है, मतलब उसका डेस्टिनेशन, उसने जाना ही टेम्पल है या नहीं जाना, या उसकी तरफ से गुजर के किस कहीं और जाना है, उसका हमें नहीं पता है। यानी कि बस इतना पता है फाइनल उसका डेस्टिनेशन वो टेम्पल नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ की है। अब ये देखिए पिक्चर ध्यान से, ये गर्ल जा रही है, ये कैट के पास तो नहीं जाएगी, ये कैट की तरफ से जा रही है, ठीक है। तो हम इस गर्ल के लिए क्या बोलेंगे, शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द कैट, ये कैट की ओर जा रही है, लेकिन कैट के तरफ जा रही है, लेकिन कैट पर नहीं जाएगी ये, ठीक है। तो इसका डेस्टिनेशन कैट नहीं है, कहीं जाना कहीं और है, लेकिन बीच में कैट है, ये कैट की तरफ से होके जाएगी। तो यहाँ पर हम टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। टू प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है डेस्टिनेशन के लिए, और टू वर्ड्स प्रेपोजिशन डेस्टिनेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती। ओके, बात समझ में आई, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माय पेरेंट्स वेंट टू द टेंपल यस्टरडे, मेरे पेरेंट्स कल टेंपल गए, ठीक है। अब उनको जाना ही टेंपल था, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो टेंपल ही था, वो घर से टेंपल के लिए ही निकले थे, तो इसलिए यहाँ पर टू प्रेपोजिशन यूज़ की है हमने। नेक्स्ट, ही किक्ड द बॉल टूवर्ड्स द गोल, उसने बॉल को किक किया टूवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ। अब वो गोल में जाएगी या नहीं जाएगी, उसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, पर उसने टूवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ, गोल की ओर किक की है बॉल। ओके, नेक्स्ट, द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द एग्जिट, मैन ने चलना शुरू किया टूवर्ड्स द एग्जिट, एग्जिट की तरफ, बाहर जाने के लिए। अब वो बाहर जाएगा या वहाँ से कहीं और जाना है, उसे नहीं पता हमें, तो बस बाहर की ओर चला गया वो, ठीक है, चलना शुरू किया है उसने। नेक्स्ट, वी वेंट टू द रेलवे स्टेशन इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में रेलवे स्टेशन गए। अब हमें तो पता है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ही रेलवे स्टेशन था, हम रेलवे स्टेशन ही गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए टू प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट, वी वेंट टू लंडन लास्ट वीक, हम लास्ट वीक लंडन गए, तो लंडन के लिए ही निकले थे घर से, ठीक है, तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ही लंडन था, इसलिए यहाँ पर टू प्रेपोजिशन यूज़ की गई है, टू वर्ड्स नहीं की। नेक्स्ट, शी कैरिड अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, उसने अपना सूटकेस उठाया और उसकी ओर चल दी, ठीक है। अब उसकी ओर चल दी, हमने उसको उसकी तरफ जाते हुए देखा है, ठीक है, अब वो उसकी तरफ जा रही है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन हमें नहीं पता, उसको कहाँ जाना है, इसलिए वहाँ पर टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। ओके, बात समझ में आई, जब फाइनल डेस्टिनेशन हमें पता हो, हमें कहाँ जाना है, हम घर पे कहाँ जाने के लिए निकले हैं, वहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। और हो सकता है जैसे हम स्कूल के लिए निकलते हैं सुबह, स्कूल जब हम जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में मंदिर हो, वहाँ पर हम मंदिर की तरफ से अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो उस टेम्पल के लिए तो हम टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है स्कूल, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है स्कूल, तो स्कूल के लिए हम टू प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ओके, समझ में आया, तो ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको करते हैं, देखते हैं हमें कितना समझ में आया। निशा वेंट डैश द मार्केट, तो निशा मार्केट गई, तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन ही मार्केट है, उसको जाना ही मार्केट था, ठीक है, तो निशा मार्केट गई, तो इसीलिए यहाँ पर टू प्रेपोजिशन यूज़ की है। नेक्स्ट, ही वॉक्ड डैश द पोस्ट ऑफिस, वह चला कहाँ पर, टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की तरफ,
ठीक है, अब हमें नहीं पता उसको पोस्ट ऑफिस ही जाना है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन ही पोस्ट ऑफिस है, लेकिन हमने पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा है, तो वो पोस्ट ऑफिस की तरफ चला, इसलिए यहाँ पर टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ की है हमने। नेक्स्ट, द लिटल बॉय रैन डैश हिज मदर एज सून एज ही सो अ स्नेक। जैसे ही उसने स्नेक देखा ना, वो अपनी मदर की तरफ भागा, ठीक है, तो मदर की तरफ भागा वो, इसलिए यहाँ पर टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ की है हमने। नेक्स्ट, शी स्टूड अप एंड वॉक्ड डैश हिम। वह खड़ी और उसकी तरफ चल दी, तो उसकी तरफ गई है, इसलिए यहाँ पर टू वर्ड्स प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग डैश आर स्कूल। हम अपने स्कूल जा रहे हैं, तो अब हमें तो पता है ना, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल के लिए निकले हैं घर से, तो स्कूल जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन ही फाइनल स्कूल है, हमें स्कूल ही जाना है, तो इसलिए यहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ओके, बात क्लियर हुई कि टू प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ करेंगे और टू वर्ड्स प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर आपको डेली क्विजेज मिलती हैं, वो आपके ही बेनिफिट के लिए हैं, एग्ज़ाम अपडेट्स मिलती हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए प्रिपेरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी साथ एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ एकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर बैचेस अवेलेबल हैं। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस अटेंड करिए, ज्वाइन करिए उनको, डेमो क्लासेस देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो साथ एकेडमी को ज्वाइन करिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है किसी तरीके का, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।